युग के मुनि परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने इन्हें फरसा दिया था, जिसके बाद इनका नाम परशुराम पड़ गया। पौराणिक मान्यता के मुताबिक परशुराम शस्त्र विद्या के ज्ञाता थे। उन्होंने कर्ण समेत गुरु द्रोण और भीष्म को भी शस्त्रों का ज्ञान दिया था। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों की तलहटी पर बसा परशुराम महादेव मंदिर हिंदुओं के प्रमुख तीर्थों में गिना जाता है। इस मंदिर का निर्माण परशुराम ने अपने फरसे से एक बड़ी चट्टान को काट कर किया था। इस मंदिर में भगवान परशुराम के दर्शन के लिए भक्तों की काफी भीड़ जुटती है। पहाड़ी पर मौजूद इस मंदिर में जाने के लिए 500 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है, जिससे बुजुर्ग श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत होती है। हालांकि यहां का नजारा इतना भव्य है कि भक्त सीढ़ियां चढ़ने से हिचकिचाते नहीं। पूरे साल भर तक उसका जो डूंगर है वो अभिषेक करता रहता है और ये सीढ़ियां है वो काफी बहुत चढ़ने में भी दिक्कत होती है, उतरने में भी दिक्कत होती है। पूरा माहौल, पूरी गुफा, बहुत जो नजारा है वो देखने के लायक है। समुद्र तल से इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 3600 फीट है। जानकारों की माने तो इस गुफा का निर्माण एक ही चट्टान को काट कर किया गया है। गुफा का ऊपरी भाग गाय के थन के समान प्रतीत होता है। इस गुफा मंदिर के अंदर ही भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान है। यहाँ पर प्राकृतिक शिवलिंग, प्राकृतिक गुफा और उसके ऊपर पानी का अभिषेक होते रहना आश्चर्यजनक की बात है। यह मंदिर मरु कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। शिवलिंग के ऊपर गोमुख है, जहां से प्राकृतिक रूप से शिवलिंग का जलाभिषेक होता रहता है। मंदिर के अलावा यहां सादड़ी इलाके में परशुराम महादेव का एक बगीचा भी है, जो कि मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। भगवान परशुराम के इस तीर्थ को राजस्थान का अमरनाथ भी कहा जाता है। परशुराम जी यहाँ विद्यमान है, उनकी दिव्य शक्ति यहाँ विद्यमान है। वह भक्तों को, श्रद्धालुओं की, दर्शनार्थियों की हर मनोकामना यह पूरी करते हैं। परशुराम जी के इस गुफा मंदिर का दृश्य इतना मनमोहक है कि जिसका अगर देखते ही वो आदमी उसको भूल नहीं पाता है। मंदिर की गुफा की दीवार पर एक राक्षस की छवि भी अंकित है। माना जाता है कि इस राक्षस को भगवान परशुराम ने अपने फरसे से मारा था। पहाड़ी के दुर्गम रास्तों से होते हुए भक्त यहाँ शिवलिंग के दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। महाशिवरात्रि और परशुराम जयंती के मौके पर इस मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त पहुँचते हैं। परशुराम गुफा मंदिर कुंभलगढ़ किले से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ से उदयपुर एयरपोर्ट काफी नजदीक है। रेल और सड़क मार्ग से भी यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।